मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया सामने। दाऊद का घर तोड़ने के लिए कर्मचारी नहीं लेकिन कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर जारी विवाद के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बीएमसी की कार्रवाई में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में निकले ड्रग्स मामले में सेशन कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका के खारिज। कोर्ट ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल, दीपेश बासित और जैक की जमानत याचिका भी की खारिज। यूपीपीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी। टॉप थ्री में लड़कियों ने बनाई अपनी जगह। 28 अक्टूबर 2018 को यूपी के 29 जिलों में हुआ था पीसीएस 2018 का प्रीलिम्स एग्जाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी हवाई अड्डे बनाने का किया अनुरोध। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में की गुजारिश। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में एमपी के देवास में एक अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की दर्दनाक मौत। सरकार ने ऑक्सीजन की समस्या को स्वीकारा लेकिन मौतों के उस मुद्दे से जुड़े होने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में 4 दिन पहले हुई मुठभेड़ में घायल जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी का एक नाले में सुरक्षा बलों को मिला शव। पुलिस ने शुक्रवार को दी जानकारी। कानून और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने कोविड-19 वैश्विक महामारी समाप्त होने के बाद भी चिन्हित श्रेणियों के लिए डिजिटल माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी करने की सिफारिश।